मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 4.56 लाख नवीन लाभार्थियों सहित 55.77 लाख लाभार्थियों को 836.55 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया तथा मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से पेंशन वितरण की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि कब से पेंशन मिल रहा है। वहीं अधिकतर लाभार्थियों ने बताया कि जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से पेंशन मिल रहा है। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार ज्ञापित किया, जिसके संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश में 60 वर्ष के बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जनपद में 1,49,139 लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन की धनराशि 1,500 रुपए मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन हस्तांतरण किया है। उन्होंने बताया कि इस साल 25,000 नए लाभार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लाभार्थी रामतीर्थ श्री राम तथा प्रभावती देवी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, आपको पेंशन का पहले भी पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? पहली बार आपका पेंशन का पैसा जा रहा है, आपके खाते में पैसा जा रहा है, यहाँ से हम भेज रहे हैं, पैसा कोषागार के माध्यम से आपके अकाउंट में सीधा चला जाएगा। हाँ। आप ये बताइए, पेंशन के अलावा किसी अन्य योजना का लाभ आपके परिवार के लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग है? 7 लोग है। और आपकी उम्र क्या है? 60 से ऊपर हो गए साहेब। अच्छा, 60 से ऊपर हो गया है। हाँ। बहुत सुंदर है, आपको पहली बार राशि आपके खाते में जा रही है। आपको और आपके परिवार को बधाई, और शासन के अन्य योजनाओं का लाभ लेके, रसोई गैस सिलेंडर है नहीं एक? हाँ। रसोई गैस का सिलेंडर है आपके पास? हाँ साहब, सरकारी मिलन है। और हाँ। ये शौचालय भी बन गया साहब प्रधान के द्वारा। हाँ, बन गया मकान। हाँ, मकान साहब राशन 5 किलो मने पीछे मिला साहेब। अच्छा, 5 किलो पर मने। आपके यहाँ तो 7 लोग हैं, तो आपको तो 35 किलो हर महीने मिलता होगा। आप बूढ़ी माए के कट गए साहेब, गलत हो गए तो कट गए। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन, 3 महीने की पेंशन आपके खाते में सीधे जा रही है। ठीक बात है। और भी जो लोग वहाँ पे आपके साथ बैठे हुए, सभी बुजुर्गों को भी सबके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है ना? हाँ। और सबको बधाई और शुभकामनाएं। कैसे शांति देवी जी, आप कैसी हैं?
आप सही हैं? कितनी? मिंती। पहले नहीं मिंती? मिंती मिलती है? हाँ मिलती है। और भी कोई योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? और योजना का? हाँ, और कोई राशन का है? हाँ राशन का है, राशन है, सिलेंडर नहीं है रसोई में, और मिला नहीं मिला? अब मिल जाएगा, मैं वहाँ बोल रहा हूँ जिलाधिकारी हरदत सिंह की, वो नोट करेंगे इनको, रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे हैं, तीन हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत करते हैं 250 रुपया में। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? देनदारी करते हैं, मिल जाता है हाथरस में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, कोई लोग आपका देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, अपना ही खर्चा है पाप तो उनके बाबूजी बच्चन को। अच्छा सर, ठीक है। चलिए, पेंशन आपकी जा रही है, फिर से 1500 रुपया आपके खाते में जाएगा ये पैसा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करेंगे इस पैसे से आप? यही खर्चा पानी कर लेते हैं बाबूजी, अपन अदरा किसी पे हाथ नहीं फैलानी पड़ती है। अच्छा ठीक है, चले बहुत सुंदर। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा है, एक माई दूसरी बैठी है बगल में आपकी, आप बैठ जाते, बैठ के बोलिए ना। आपको भी पैसा जा रहा है, नमस्ते। आपके खाते पहले आपको पैसा मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था? मिलता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको कोई और योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, राशन का, बिजली का या रसोई गैस का? गैस मिल रही है। हाँ मिल रही है। और राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है। मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं यार। अच्छा, ये मकान और शौचालय मिला कि नहीं मिला? हाँ है, ठीक है। बच्चे क्या क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? तीन हैं। क्या वो लोग देखभाल नहीं करते हैं? हाँ मजदूरी करते हैं, बाहर करते हैं। अच्छा, बाहर काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। चले, आपको भी और सभी हाथरस में जितने भी वृद्धजन है पेंशन की सुविधा का लाभ मिलता है, सबको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें ये हमारी कामना है। आपको और आपके साथ और भी बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, और इन सबको जो है 1500 रुपया इन सबके खाते में जा रहा है। मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका सादर अभिवादन करता हूँ, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है, और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, इस सरकार की मंशा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय के जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है, उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती का बखूबी मुकाबला करते हुए
प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। ये सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,38,00,000 परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,47,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हो, पिछड़ी जाति के हो या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर गरीब कन्या को दहेज के भाव में जिनका शादी व्यवहार नहीं हो पाता था, परिवार परेशान रहता था, उनके लिए 51,000 रुपए की अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों में आप लोगों को इससे काफी बड़ी सुविधा होगी। इसी प्रकार से शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अगर हर गरीब तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक और हर जरूरतमंद तक पहुँच जाए तो सरकार की मंशा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अभाव में या भूख से मरने की नौबत उसके सामने नहीं आएगी और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासन इसी बात को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब 55,77,000 लाभार्थियों को 836,55,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा रही है, जिसमें 4,56,000 नए लाभार्थी, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आवश्यक जरूरतों को इस राशि के माध्यम से पूरा करते हुए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज क्या अगले हफ्ता में क्या पैसा खाता हूँ, आज चल गए बैंक में, एक हफ्ते बाद नहीं पाया। राम तीर्थ मंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा, क्या करना चाहेंगे?
तीन दो तीन महीने के बाद गया है, पहले इसके मिला था। कब से मिला पेंशन आपको? अब पाँच छः महीने का हो गया था उधर। श्री राम, आज मुख्यमंत्री जी ने खाते में आपको पैसा भेजा वृद्धा पेंशन का, क्या कहना चाहेंगे? बस छः महीने से नहीं मिल रहा है साहब। आज जा रहा था, कितना ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है, आज जा रहा था। कितने दिखाएंगे सरकार के लिए? सरकार तो ठीक है, कर रही है जो कर रही है। भारती मुख्यमंत्री जी ने आपके खाते में वृद्धा पुराती का पैसा भेजा, क्या कहना चाहेंगे? पहला पेंशन अभी हम एक नहीं पहले है, 22 साल हो गए मरले हमारे आदमी के, हम आज तक ले भी एक भी पेंशन नहीं मिला बा हमके। आज जब ऐसा जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? का लग रहा है मंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं आपके खाते में पैसा भेजे हैं, का चाहिए? हाँ, हमारे खाते में भेज दी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध जन हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों को गोरखपुर जनपद के जो कि कुल 149,139 लाभार्थी इस वर्ष हैं, उनके खाते में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 महीने की 1500 रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में प्रेषित की गई है। और हमारे जनपद के इसमें जो नए पेंशनर हैं, जो पिछले साल पा रहे थे, उसमें 25,000 की लगभग बढ़ोतरी हुई है।